दोस्तों, स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज देखते हैं ऑपरेटर कैसे रिटेल इन्वेस्टर को फंसा देते हैं। अभी रिलायंस ने सिंटेक्स इंडस्ट्री को ख़रीदने के लिए बस इंटरेस्ट दिखाया है, तो अभी से इस शेयर में ऑपरेटर ने अपना दांव खेलना शुरू कर दिया है। ये देखिए, अभी न्यूज़ पे आते हैं हम। रिलायंस 6 CCI नॉट टू बाइंग सिंटेक्स इंडस्ट्री अंडर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज बैंकक्रप्ट हो चुकी है, तो रिलायंस अभी इस कंपनी को एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है। तो इसी न्यूज़ का फायदा को उठा के ऑपरेटर लोगों ने इस शेयर को डबल कर दिया है। नेक्स्ट हम अभी चलते हैं कंपनी के बारे में देखते हैं थोड़ा। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज वन ऑफ द लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ प्लास्टिक्स एंड टेक्सटाइल रिलेटेड प्रोडक्ट्स इन इंडिया। तो अभी रिलायंस अपना फैशन बिजनेस बढ़ा रही है, तो इसलिए ये लोग डायरेक्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ही खरीद लिए। उन्होंने आलोक इंडस्ट्री खरीद ली है। अभी ये सिंटेक्स इंडस्ट्री तरफ आ चुके हैं। द कंपनी इज रिकॉग्नाइज्ड इन टू टू बिजनेस सेगमेंट, नेमली टेक्सटाइल एंड प्लास्टिक। ये कंपनी टेक्सटाइल एंड प्लास्टिक में काम करती है। अभी ये कंपनी बैंकक्रप्ट हो चुकी है, तो इनको सस्ते में मिल जाएगी। तो ऐसे रिलायंस अपने कंपनी की पोर्टफोलियो में अलग अलग कंपनियां ऐड करती जा रही है टेक्सटाइल। तो चलिए, इस कंपनी में कितना डेबिट है, कितने में खरीदने वाले, ये देखते हैं। टोटल फाइनेंशियल इंडेबिटेडनेस इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डेबिट 7218 करोड़ का इनके ऊपर डेबिट है, कर्जा है। तो ये कर्जा चुका के कंपनी इनको खरीदनी पड़ेगी रिलायंस को। तो ये अभी इंसॉल्वेंसी में चल रही है, तो इसीलिए अभी इसमें बस इंटरेस्ट दिखा है, तो ही ऑपरेटर लोगों ने इन कंपनी को उठा दिया है। ये शेयर अपने प्राइस से डबल हो चुका है। अभी बैंकक्रप्ट सिंटेक्स इंडस्ट्री स्टॉक डबल आफ्टर रिलायंस शोड इंटरेस्ट टू अक्वायर इट। देखिए, ये न्यूज़ है। द स्टॉक ऑफ सिंटेक्स इंडस्ट्री हैव बीन राइजिंग एवर सिंस रिलायंस इंडस्ट्री एमर्ज्ड एज वन ऑफ द बिडर हु शोड इंटरेस्ट टू एक्वायर द बैंकक्रप्ट फर्म। इस कंपनी को एक्वायर करने की न्यूज़ से ही इस कंपनी का शेयर डबल हो चुका है। अभी तक इस कंपनी को एक्वायर नहीं किया है। तो चलिए अभी देखते हैं। मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड अलॉन्ग विथ पार्टनर आर अमॉन्ग दोज बीडिंग टू टेक ओवर बैंकक्रप्ट इंडियन टेक्सटाइल फर्म सिंटेक्स इंडस्ट्री। ये इस कंपनी को एक्वायर करने के लिए बिडिंग कर रहे हैं अभी भी। अकॉर्डिंग टू अ स्टॉक एक्सचेंज फीलिंग एज द बिलियनियर्स अटेम्प्ट टू डाइवर्सिफाई फ्रॉम एन ऑयल एम्पायर इन टू टेलीकम्युनिकेशन ग्रीन एनर्जी एंड फैशन। अभी रिलायंस का नेक्स्ट विजन है ये अपनी कंपनी को ऑयल एंड गैस से अभी इस पूरे एम्पायर को टेलीकम्युनिकेशन ग्रीन एनर्जी और फैशन में कन्वर्ट करने के लिए ये अलग अलग कंपनियाँ अपने इसमें ऐड करती जा रही है। तो अभी हम आते हैं शेयर प्राइस पे। शेयर का प्राइस अभी 20 रुपीज़ हो गया था, आप चेक कर सकते हैं। 52 वीक हाई 22 रुपीज़ और 52 वीक लो है 3 रुपीज़। एक कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया है बस। रिलायंस इंडस्ट्री ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया तो ही इस कंपनी में 52 वीक हाई लग गया है। अभी इस कंपनी में कंटिन्यू लोअर सर्किट लगा है। अभी जिसने भी 20 पे खरीदा है वो सब फंस गए हैं इसमें, अटक चुके हैं अभी। तो ऐसे शेयर में आप इन्वेस्ट मत कीजिए। अगर रिलायंस एक्वायर करता है तो उन लोगों को अच्छा है, अगर नहीं होता है तो। यह अभी न्यूज चल रहा है। अभी देखिए, कंपनी का शेयर प्राइस 3 रुपये था, डायरेक्ट न्यूज़ आते ही 20 रुपीज़ तक इसको खींच के ले गए और 20 रुपीज़ पे इन्होंने छोड़ दिया। अभी देख सकते हैं डायरेक्ट 20 से 10 रुपीज़ हो गया, कितने सडनली नीचे आता है। आप चार्ट पैटर्न देख सकते हैं। और इस कंपनी में बहुत अनसर्टेनिटी है, अप एंड डाउन। तो ऐसा शेयर पैटर्न अच्छा नहीं रहता इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप टॉप पे इस शेयर को पिक करते हैं तो ये पूरा डाउन आ जाएगा, अब कब ऊपर जाएगा पता नहीं। तो ऐसे शेयर से आप दूर रहिए। थैंक यू दोस्तों।